विदिशा जिले के ग्यारसपुर थाना मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम ओलिज में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ अमानवीय तरीके से दुष्कर्म किया गया। इससे गांव में दहशत का माहौल है। ग्राम ओलिजा में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब ग्रामीणों को खबर लगी कि एक 70 वर्ष महिला के साथ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हैवानियत जैसा व्यवहार उसके शरीर से किया गया है। मृतक कलाबाई पति किशोरीलाल 70 वर्ष है। मौके पर उनकी बहू फूलबाई पहुंची और उसने कलाबाई के शरीर पर कपड़े नहीं थे। कलाबाई के पुत्र प्रीतम सिंह ने बताया कि रात 9:30 बजे माँ खेत पर रखवाली के लिए गई थी। सुबह जब देखा तो इस प्रकार की घटना अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अंजाम दी गई। इस संबंध में जब थाना प्रभारी महेंद्र सिंह शाक्य से बात की तो उनका कहना है कि शुरुआती जांच के लक्षण दिखाई दे रहा है कि बॉडी के साथ छेड़छाड़ हुई है या दुष्कर्म किया गया है, इसकी जांच की जा रही है। विदिशा से सीताराम कुशवाहा के साथ आशीष सहले की रिपोर्ट। तो इसके दिन तो साथ के निर्णय उसमें आ गए। बाकी अभी एक बार हम बॉडी की स्थिति का भी डॉक्टर से जायजा ले ही रहे हैं, तो मैं स्वयं वहीं जा रहा हूँ, तो हमें पूरा आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली किस तरह से घटना घटी। ये तो स्पष्ट है कि 10 बजे और सुबह 8 बजे के बीच में हुई है इसी रात को, पिछली रात की, और मोस्ट लाइकली घटना स्पॉट यही है जिस तरह से लाश की पोजिशन है। तो लेटे सर कि बिहार सस्पेक्ट ये जो घटना यहाँ पर घटी है आपके खेत पर, ये पूरी घटना क्या है और आपकी माता जी हैं के साथ क्या किस प्रकार कृत्य किया गया, कौन से आपको किसके ऊपर शक है बताएं? सर शक तो किसी के ऊपर नहीं है जी, मगर कहा कि 9:30 बजे करीब घर से आए खाना खा के, हाँ, तो जहाँ पे जे आराम कर लगे, हाँ हाँ, और जे के बाद मैं भी आओ तो इनसे बैटरी ले तो मैं आग खेत पर चलो रहा ऐसी दिक्कत नहीं रही, मतलब सवेरे जा स्थिति मिली। अच्छा, फिर शुरुआत जब हमने सुबह देखा तो कैसे क्या स्थिति मिली बताएं थोड़ा सा? यही स्थिति मिली कि कोई तन पे तार नहीं हो रही थी, पड़ी खटिया के नीचे जी। देखिए अभी 100 डायल से हमारे पास पॉइंट आया था कि ऐसी एक डेड बॉडी मिली है जिसकी महिला की उम्र तकरीबन 70 साल के आसपास है, कलाबाई कुशवाहा उसका नाम बता रहे हैं जी। हम मौके पे पहुंचे हैं, देखा है तो देखने में डेड बॉडी है और डेड बॉडी के साथ कुछ अश्लील हरकत या फिर उसके साथ सेक्स रूप जैसे कार्य किया गया है जी। हमने FSL टीम को इन्फॉर्म कर दिया है, FSL टीम विदिशा से पहुंच रही है जी। और जैसी जांच में हमने शुरू कर दी है और जांच में जो बिंदु आएंगे तो हम आपको अवगत कराते हैं। प्रियजनों ने जो पीड़ित परिवार के पक्ष के लोग हैं उनके परिवार के लोग हैं उन्होंने किसी को संदेह कोई व्यक्त किया है कि नहीं? अभी नहीं, अभी मिला है, पूछताछ कर रहे हैं हम जी, हमने रवाना कर दी जी, जैसी तत्काल जिसमें जानकारी मिलती है। नाम है आपका जी? ये आपकी जो जो घटना रात को अंजाम की गई इनके साथ में, ये कौन थी आपकी? सासुरी। तो क्या क्या इनके साथ कृत्य किया गया है बताएं? अब हम तो घर आते जी, सवेरे आन के देखी, हमने चाय पी भी नहीं पहुंची जी, सवेरे आन के देखी जी, मुँह में मट्टी भरी थी जी, बातों में डंडा लगो तो हमने आन के हेरो जी जी। तो और किसी के ऊपर संदेह है किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा कोई आपको लगता है क्या क्षेत्र का या गांव का कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है काम कर सकता है? गांव को फागुन से नहीं आओ तो एक वो मोड़ा पानी मांग भी हमसे के आई थी, कहीं कब वो मोड़ा जाता है वो गोलू नाव को कई मोटे आदि जाते पानी मांगता है जी, तो मैंने की हम देखे कोई ने ध्यान नहीं धरो। कितनी क्या उम्र होगी उनकी जो पानी मांगते थे? वो 25 साल को हुई है, 30 साल को जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।